सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सचिन डेली टेक। सो गाइस, आज की वीडियो में हम अपने रियलमी 5i के फोन में एप्स को कैसे ऐड करते हैं उसी के बारे में जानने वाले हैं। अपने रियलमी 5i के फोन में एप्स को डायलर में कैसे ऐड करते हैं उसी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, हमें अपने फोन में सेटिंग ऐप को ओपन कर लेना है। देन इसे ओपन करने के बाद अब आपको थोड़ा नीचे की साइड में एक ऑप्शन शो होगा सिक्योरिटी का, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। देन इतना करने के बाद अब आपको थोड़ा नीचे की साइड स्क्रॉल करना है। गाइस, सबसे नीचे आ जाना है। तो गाइस, यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐप लॉक के नाम से, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। गाइस, अगर आपको ये सेटिंग यहाँ पर नहीं मिलती तो आप ऊपर से सर्च भी कर सकते हैं और थोड़ा ऊपर नीचे करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। देन इतना करने के बाद अब आपको यहाँ से सेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। देन अब आपको यहाँ से अपना पासवर्ड डाल देना है। देन इतना करने के बाद यहाँ आपको टॉप में एक क्वेश्चन मिलेगा, तो गाइस सिंपली आपको इसका आंसर टाइप कर देना है। गाइस, आप यहाँ से क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हैं। देन इतना करने के बाद अब आपको यहाँ से अपनी जीमेल ऐड कर देनी है, ताकि आप अपना कभी भी पासवर्ड भूल जाते हो तो जीमेल या फिर क्वेश्चन की हेल्प से उसे आसानी से रिसेट कर सको। देन ऊपर से डन कर देना है। देन इतना करने के बाद आपके फोन में जितने भी एप्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर शो करेंगे। तो गाइस, आप यहाँ से उन सभी एप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जिन पर आप ऐप लॉक लगाना चाहते हो। देन नीचे से लॉक पर क्लिक कर देना है। देन इतना करने के बाद आपके सामने फिंगरप्रिंट लॉक का ऑप्शन आ जाएगा। तो गाइस, अगर आप अपनी फिंगरप्रिंट ऐड करना चाहते हो तो नीचे यूज पर क्लिक करके लगा सकते हो, बट मैं सिर्फ पासवर्ड लगाना सिखा रहा हूँ तो यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। तो गाइस, ये हुआ ऐप लॉक। तो गाइस, अब चेक करते हैं कि हमारे एप्स पर ऐप लॉक सेट हुआ या फिर नहीं। तो गाइस, किसी ऐप को ओपन करके देखते हैं। तो गाइस, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मेरा ऐप लॉक अप्लाई हो गया है। तो गाइस, ये हुआ ऐप लॉक। तो गाइस, एप्स को हाइड करने के लिए ये सेटिंग जरूरी होती है। देन एप्स को डायलर में हाइड करने के लिए हमें फिर से सेटिंग पर क्लिक कर देना है। देन फिर से थोड़ा नीचे की साइड स्क्रॉल करके आ जाना है। देन यहाँ से सिक्योरिटी को सिलेक्ट कर लेना है। देन फिर से नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है। देन फिर से ऐप लॉक पर आ जाना है। देन यहाँ से अपना पासवर्ड डाल देना जो हमने अभी क्रिएट किया था। देन फिर से वही सारे एप्स आ जाएंगे जो ऐप लॉक में थे। तो गाइस, आप जिस भी ऐप को अपने डायलर में हाइड करना चाहते हैं उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ से आपको एक ऑप्शन होगा हाइड फ्रॉम होम स्क्रीन, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ से एक्सेस कोड पर क्लिक कर देना है। तो गाइस, इतना करने के बाद आपके सामने आपके फोन का डायलर ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आपको आगे और पीछे से हैज लगा के कोई कोड डाल देना है। देखो, मैं डाल के दिखा रहा हूँ, सेम आपको भी ऐसे कॉपी करना है। बस आपको अपना कोड चेंज कर देना है जिसे आप डालना चाहते हो। देन इतना करने के बाद अब आपको ऊपर से डन कर देना है। देन यहाँ से सेव पर क्लिक कर देना है। गाइस, इतना करने के बाद आपने जो भी ऐप सिलेक्ट किए होंगे वो सारे के सारे यहाँ से हाइड हो जाएंगे। तो एक दो ऐप और हाइड कर देते हैं, तो फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप भी हो गया, व्हाट्सएप बिजनेस भी हो गया। तो गाइस, अब चेक कर लेते हैं कि हमारे ऐप्स हाइड हुए हैं या फिर नहीं। तो गाइस, आप देख रहे होंगे कि मैंने जितने भी ऐप्स यहाँ से सिलेक्ट किए थे वो सारे के सारे यहाँ स्क्रीन से हाइड हो गए हैं। तो गाइस, अब हाइड हुए ऐप को निकालने के लिए हमें अपने फोन में सिंपली डायलर को ओपन कर लेना है। देन इतना करने के बाद हमें यहाँ से वही वाला कोड डाल देना है जो हमने अभी क्रिएट किया था। तो यहाँ आगे से भी हैज लगाना है, देन यहाँ से कोड डाल देना है, देन फिर से हैज लगाना है। तो गाइस, इतना करने के बाद आप देख रहे होंगे कि आपके हिडन ऐप्स आ गए हैं। तो गाइस, आप इन सिंपल स्टेप्स को कंप्लीट करके अपने रियलमी 5i के फोन में एप्स को हाइड कर सकते हो। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।